स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू SBS इंग्लिश क्लासेस. वी आर हेयर टू स्टडी पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस. पैसेज बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द लेसन माई चाइल्डहुड रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम. APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित माय चाइल्डहुड नाम के लेसन मेरा बचपन से ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस. नोट, रीड द पैसेजेज गिवन बिलो. रीड पढ़िए द पैसेजेज. गद अवतरण गिवन बिलो नीचे दिए हुए. एंड आंसर दी क्वेश्चंस और प्रश्नों का उत्तर दीजिए दैट फॉलो जो आगे या नीचे दिए हुए हैं या निम्नांकित हैं. ये पैसेज है, आई वॉज बोर्न इन ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मैड्रॉस स्टेट. इस लेसन में जो ये फर्स्ट पर्सन आई है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है. APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर का ये एक अंश है, एक भाग है माई चाइल्डहुड. तो APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, आई वॉज बोर्न, मैं पैदा हुआ इन टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली, एक मध्यवर्गीय तमिल परिवार में पैदा हुआ. इन द आइलैंड टाउन, आइलैंड टाउन कहते हैं द्वीप या नगर या शहर में, ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम के. इन द अस्टवाइल प्राचीन मद्रास स्टेट, मद्रास प्रांत के, प्राचीन मद्रास प्रांत के रामेश्वरम के द्वीपीय नगर में एक मध्यवर्गीय तमिल परिवार में मैं पैदा हुआ. इस बात को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं अपनी आत्मकथा में. माय फादर जैनुल आबदीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. माई फादर, मेरे पिता जैनुल आबदीन हैड नाइदर मच फॉर्मल, नाइदर मीन्स न तो, मच फॉर्मल अधिक औपचारिक, एजुकेशन शिक्षा, यानी कि मेरे पिता जैनुल आबदीन ने न तो अधिक औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी नॉर मच वेल्थ, और न ही उनके पास अधिक धन था, वो इतने धनी भी नहीं थे. डेस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेज, डेस्पाइट मीन्स के बावजूद, दीज डिसएडवांटेजेज इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी, ही पजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड ए ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट. ही पजेस्ट, उनके पास थी ग्रेट इनेट, बहुत ही सहज, इनेट में सहज या स्वाभाविक या प्राकृतिक, विजडम इज बुद्धिमत्ता, इनकी इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी APJ अब्दुल कलाम के पिताजी के पास एक बहुत ही सहज बुद्धिमत्ता थी. एंड ए ट्रू, सच्ची, जेनरोसिटी मीन्स उदारता ऑफ स्पिरिट, आत्मा की, और उनमें आत्मा की एक सच्ची उदारता भी थी. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आसी अम्मा. ही हैड, उनकी थी एन आइडियल, एक आदर्श हेल्पमेट, सहायक संगनी या पत्नी, इन माई मदर, मेरी माता के रूप में, आसी अम्मा, आसी अम्मा.
उनकी मेरी माता के रूप में आसियम्मा एक आदर्श सहायक संगनी या पत्नी थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फेड एवरी डे। आई डू नॉट रिकॉल, रिकॉल मिस होता स्मरण करना, याद करना, मुझे याद नहीं है या मुझे पता नहीं है। द एग्जैक्ट नंबर, सही सही बिल्कुल ठीक संख्या ऑफ पीपल, उन लोगों की, सी फेड एवरी डे, जिन्हें वह प्रतिदिन भोजन खिलाती थी। ए पी जे अब्दुल कलाम कहते हैं कि उन्हें उन लोगों की सही संख्या की जानकारी नहीं है जिन लोगों को उसकी माता भोजन खिलाया करती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है, क्वाइट सर्टेन पक्का विश्वास, क्या विश्वास है, दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ अवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। बट परंतु आई एम क्वाइट सर्टेन, मुझे पक्का विश्वास है, दैट फार मोर आउटसाइडर, अधिक संख्या में बाह्य लोग, बाहरी लोग, एट भोजन करते थे विद अस हमारे साथ, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ अवर ओन फैमिली, अपने खुद के परिवार के पुट्टुकदर एक साथ, यानी यदि परिवार के सारे सदस्यों को मिला लिया जाए तो उससे अधिक संख्या में बाहर के लोग उनके साथ खाना खाते थे। इतनी धार्मिक प्रवृत्ति के ए पी जे अब्दुल कलाम की माता थी और उनका परिवार भी था। तो आइए इसके आगे नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द चैप्टर व्हेंस दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। नेम, नाम बताइए द चैप्टर, उस पाठ का, व्हेंस, जहां से दिस एक्सट्रैक्ट, ये अंश, हैज बीन टेकन, लिया गया है, यानी कि उस पाठ का नाम बताना है जिससे ये गद अवतरण, ये भाग, ये अंश लिया गया है। ए द फन दे हैड, आनंद जो उन्होंने लिया, द साउंड ऑफ म्यूजिक, ये दी है, द साउंड ऑफ म्यूजिक, सी द लिटिल गर्ल, डी ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ई नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सट्रैक्ट, ये पैराग्राफ द फन दे हैड से भी नहीं लिया गया, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द साउंड ऑफ म्यूजिक से भी नहीं लिया गया, द लिटिल गर्ल इससे भी नहीं लिया गया, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड इससे भी नहीं लिया गया। इन चारों विकल्प में से कोई भी नहीं है, इसलिए इसका सही विकल्प है ई, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका लेसन या चैप्टर का नाम है माय चाइल्डहुड, वो इसमें दे नहीं रखा है, तो इसलिए हम इसमें नन ऑफ दीज में पर टिक करेंगे। नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स सूट, एडजेक्टिव्स नहीं है, एडजेक्टिव है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव सूट्स नरेटर्स मदर। निम्नांकित एडजेक्टिव्स में से कौन सा एडजेक्टिव माता के लिए, लेखक की माता के लिए उपयुक्त है, उचित है। ए हेल्पलेस, निस्सहाय, बी हेल्पफुल, सहायक, सी कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी या अंधविश्वास करने वाली, डी सेल्फिश या स्वार्थी। तो स्टूडेंट्स, इसमें से सही विकल्प, सही एडजेक्टिव जो नरेटर की माता के लिए उपयुक्त है, सूट करता है,
वह बी है। हेल्पफुल सहायक थी। नंबर थ्री, हु इज आई इन द एबव एक्सट्रैक्ट। एबव एक्सट्रैक्ट ऊपर युक्त अंश में गद अवतरण में जो आई है वह कौन है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी गुरु गोविंद, डी APJ अब्दुल कलाम। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो आई है वह APJ अब्दुल कलाम के लिए प्रयोग किया गया है। APJ अब्दुल कलाम है। क्वेश्चन नंबर फोर, वेयर वाज अब्दुल कलाम बोर्न। अब्दुल कलाम कहाँ पैदा हुए थे? ए इन ए पंजाबी फैमिली, बी इन ए बंगाली फैमिली, सी इन ए ब्राह्मण फैमिली, और ये इसका चौथा पॉइंट है इन ए तमिल फैमिली। क्वेश्चन नंबर फोर, वेयर वाज अब्दुल कलाम बोर्न। अब्दुल कलाम कहाँ पैदा हुए थे? ए इन ए पंजाबी फैमिली, एक पंजाबी परिवार में, बी इन ए बंगाली फैमिली, एक बंगाली परिवार में, सी इन ए ब्राह्मण फैमिली, एक ब्राह्मण परिवार में, डी इन ए तमिल फैमिली, एक तमिल परिवार में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सही ऑप्शन है इन ए तमिल फैमिली। अब्दुल कलाम एक तमिल फैमिली में पैदा हुए थे। इसका सही ऑप्शन है डी। ये पैरा नंबर टू है। द न्यूज पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। द न्यूज पेपर अखबारों को नाउ अब हैड टू बी बंडल्ड, अब अखबारों का गड्ढा बनाना पड़ता था एंड थ्रोन और फेंकना पड़ता था फ्रॉम द मूविंग ट्रेन चलती हुई गाड़ी से ऑन द रामेश्वरम रोड रामेश्वरम सड़क पर बिटवीन बीच में रामेश्वरम एंड धनुषकोडी और धनुषकोडी के। अब अखबारों को बंडल बनाना पड़ता था और रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम सड़क पर चलती हुई गाड़ी से फेंकना पड़ता था। That forced my cousin Samsudin. That forced, जिसने मजबूर किया, बाध्य किया my cousin, मेरे चचेरे भाई को, Samsudin को, यानी कि इस बात ने, यानी कि अखबारों का बंडल बनाना पड़ता था और उसे चलती गाड़ी में से फेंकना पड़ता था रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम सड़क पर। तो इस बात ने मेरे चचेरे भाई Samsudin को मजबूर कर दिया। हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज पेपर इन रामेश्वरम। Samsudin रामेश्वरम में अखबार बांटता था, डिस्ट्रीब्यूटेड बांटता था। जो रामेश्वरम में अखबार बांटता था, मेरा चचेरा भाई जो रामेश्वरम में अखबार बांटता था, को बाध्य किया टू लुक फॉर, तलाशने के लिए, ढूंढने के लिए, ए हेल्पिंग हैंड एक सहायक को, टू कैच द बंडल बंडल को पकड़ने के लिए, यानी कि इमरजेंसी के कारण रामेश्वरम के स्टेशन पर गाड़ी को
अस्थायी रूप से रोकना बंद कर दिया था, जिस कारण से ये शमसुद्दीन जो APJ अब्दुल कलाम का चचेरा भाई था के सामने समस्या हुई। और इस बात से क्या हुआ, शमसुद्दीन रामेश्वरम में अखबार बांटता था, उसके सामने एक बंडल को पकड़ने के लिए सहायक व्यक्ति को ढूंढने के लिए मजबूर होना पड़ा। एंड एज इफ नेचुरली, और मानो स्वाभाविक रूप से, नेचुरली में स्वाभाविक रूप से, आई फिल्ड दिस स्लॉट, स्लॉट कहते हैं रिक्त स्थान, और मैंने उस स्थान की पूर्ति की। इस शमसुद्दीन को बंडल पकड़ने के लिए एक सहायक की, एक सहायता करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता हुई, उसे ढूंढना पड़ा, और स्वाभाविक रूप से APJ अब्दुल कलाम ने उस कमी को पूरा कर दिया। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेज, शमसुद्दीन हेल्प्ड मी, शमसुद्दीन ने मेरी सहायता की अर्न कमाने में, माई फर्स्ट वेजेज, अपनी पहली दिहाड़ी। शमसुद्दीन ने मुझे अपनी प्रथम दिहाड़ी, प्रथम पारिश्रमिक, प्रथम मजदूरी को कमाने में सहायता की। हाफ ए सेंचुरी लेटर, आधा शताब्दी के पश्चात, यानी कि 50 साल के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। आई कैन स्टिल फील, मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ, अब भी महसूस कर सकता हूँ, द सर्ज, भावना ऑफ प्राइड, गर्व की, इन अर्निंग, कमाने की, माई ओन मनी, अपना खुद का धन, फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रथम बार। यानी कि APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि 50 साल के बाद मैं अब भी प्रथम बार अपना खुद का धन कमाने का, जो धन कमाने की जो गर्व की भावना है, मैं उसे आज भी महसूस कर सकता हूँ। ये पैसेज नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। वाई वर न्यूज पेपर्स थ्रोन फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, चलती हुई गाड़ी से अखबारों को क्यों फेंका गया या क्यों फेंका जाता था। ए फॉर देयर वाज ए स्टेट ऑफ एमरजेंसी ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आपातकाल की स्थिति थी। बी फॉर देयर स्टेशन वाज सस्पेंडेड टू बी हॉल्ट, क्योंकि उनका स्टेशन अस्थायी रूप से वहाँ पर गाड़ी रोकने के लिए रोक दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। सी फॉर देयर वर योर लाइफ सिचुएशन, क्योंकि जीवन की ऐसी स्थिति थी। डी ऑल ऑफ दीज, तो इसमें ये ऊपर की तीनों बातें हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द नरेटर्स कजिन लुकिंग फॉर, कहानीकर्ता का, कहानी कहने वाले का, लेखक का चचेरा भाई किस चीज़ की खोज कर रहा था, किस चीज़ को तलाश रहा था। ए मेड टू क्लीन हिज हाउस, अपने घर की सफाई वफाई करने के लिए किसी नौकरानी की। बी ए गर्ल टू गेट मैरिड, एक लड़की की तलाश कर रहा था विवाह करने के लिए। सी ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द न्यूज पेपर बंडल्स एट दी स्टेशन, एट दिस स्टेशन, इस स्टेशन पर
बंडल को गड्ढे को अखबार के गड्ढे को पकड़ने के लिए एक सहायक की तलाश कर रहा था। डी नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट्स, लेखक का चचेरा भाई स्टेशन पर अखबारों के गड्ढे को पकड़ने के लिए एक सहायक की तलाश कर रहा था, तो इसका सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 3, हु फिल्ड दिस स्लॉट ऑफ हेल्पिंग हैंड ऑफ हिज कजिन, अपने चचेरे भाई के सहायक के इस स्थान को किसने पूरा किया, किसने भरा? ए महात्मा गांधी ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी गुरु गोविंद ने, डी APJ अब्दुल कलाम ने। APJ अब्दुल कलाम के चचेरे भाई को एक सहायक की आवश्यकता थी, उस सहायक की आवश्यकता को किसने पूरा किया? APJ अब्दुल कलाम ने। इसका सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 4, हु मेड अब्दुल कलाम फील प्राउड, किस चीज़ ने अब्दुल कलाम को गर्व महसूस करवाया, यानी किस चीज़ से अब्दुल कलाम को गर्व महसूस हुआ? ए हिज अर्निंग मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रथम बार उसके धन कमाने ने। बी हिज हेल्पिंग अदर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रथम बार दूसरों की सहायता करने ने। सी हिज कैचिंग न्यूज़पेपर एट द स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार स्टेशन पर समाचार पत्रों को पकड़ने ने उसको गर्व महसूस कराया। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये तीनों चीज़ें हैं जिससे उसे गर्व महसूस हुआ या जिन्होंने उसे गर्व महसूस कराया, ऑल ऑफ दीज, ये सब चीज़ें। तो इसका सही ऑप्शन है डी। ये सब काम उसने प्रथम बार किए, इससे उसे गर्व के भाव की अनुभूति हुई। तो ये थे हमारे माई चाइल्डहुड नाम के लेसन के पैसेज बेस्ड MCQs। आपको कैसे लगे, इस चीज़ को बताने के लिए आप एक आइकन को क्लिक कीजिए। आपको अच्छा लगा तो, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।